हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है करण कुशवाहा। अगर आपने अभी तक मेरा सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज हम आपको बताएँगे जियो सिम न्यू FRC के बारे में। चलिए हम फटाफट से आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो देखिए, न्यू FRC अगर आप करते हैं रिटेलर को या न्यू सम देते हैं या MNP करते हैं या FRC रहा आपका 498 रुपये प्लस 399 रुपये मेंबरशिप। FRC टोटल मिला के होता है 597 रुपये का, 597 रुपये का। यदि ये FRC अगर आप करते हैं तो कस्टमर को क्या प्रॉफिट होगा। कस्टमर को यहाँ पर देखिए प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए हम आपको कस्टमर का प्रॉफिट बता देते हैं। कस्टमर को वैलिडिटी मिलने वाला है 91 दिन। कस्टमर को 2 GB डाटा पर डे मिलने वाला है। यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग भी कस्टमर को, फ्री रोमिंग SMS कॉलर और कॉलर टून और SMS अलर्ट सर्विस बिल्कुल फ्री मिलेगा। कस्टमर को ये बेनिफिट इतने कम कॉस्ट में मिल रहा है जो कि पहले जब जियो नहीं था, जब किसी भी कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं मिलता था, तो अभी ये फैसिलिटी मिल रहा है। अब बात करते हैं एक जियो रिटेलर को कितना कमीशन मिलेगा, कितना पेआउट मिलेगा उसके बारे में। तो देखिए, अगर जियो रिटेलर एक न्यू सिम बेचता है या न्यू कनेक्शन देता है तो उसको इस प्रकार से कमीशन बनेगा, यानी 181 रुपये कमीशन बनेगा। आप देख लीजिए सामने सब कुछ लिखा हुआ है कि किस पर कितना कमीशन बन रहा है। अगर हम ये सारा बताएँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि एक आप MNP करते हैं तो आपका यहाँ पर कमीशन उसी FRC पर कमीशन बनेगा, यहाँ पर 301 रुपये। तो आपको MNP करने में ज़्यादा प्रॉफिट जा रहा है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप MNP ही कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा कमीशन आपको टोटल पेआउट बनेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए या फिर आप जियो को पसंद करते हैं कितनी सारी सर्विस मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो YouTube पर फैल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।